गाइज आज की इस वीडियो में GTA गेम्स को रैंक करूंगा वर्स्ट टू बेस्ट पे। और भाई GTA के टोटल अभी तक 16 गेम्स आ चुके हैं। हाँ 17वें गेम्स का इंतजार कर रहे हैं जो कि अभी तक आया नहीं है, वो है GTA 6। और गाइज ये वीडियो मैंने जैक कॉक्स टीवी से इंस्पायर होके बनाया है। 5 साल पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने सारे GTA गेम्स को रैंक किया था। तब भाई GTA के 15 गेम्स थे, लेकिन अब GTA ट्रायोलॉजी को मिला के पूरे GTA के 16 गेम्स बनते हैं। अभी देखो यार, मैं सारे गेम्स को रैंक करूंगा वर्स्ट टू बेस्ट पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गेम बुरा है, ये गेम अच्छा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप बताना आपको कौन से GTA गेम्स पसंद है, कमेंट में मुझे जरूर बताना, भले वो 1 हो या फिर 10 हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। अभी इस वन ऑफ द बेस्ट गेम की बात करते हैं जिसका नाम है GTA एडवांस। हाँ इसकी कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि रॉकस्टार की एक बुरी बात है कि भाई रॉकस्टार गेम ने इस गेम को 2004 में रिलीज किया था, जिस साल रॉकस्टार गेम ने GTA सैन एंड्रियास को भी रिलीज किया था। अभी ये बात ना किसी को भी समझ नहीं है कि भाई रॉकस्टार गेम के जब 3D यूनिवर्स की गेम्स हो चुके थे स्टार्ट, 2D गेम जो रॉकस्टार ने निकाला इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ये गेम आया था गेम बॉय एडवांस के लिए, इसको डिजिटल एक्लिप्स ने बनाया था और रॉकस्टार ने इस गेम को सिर्फ पब्लिश किया था। लेकिन जो भी कहा जाए गेम अच्छा है, इसमें आपको GTA 3 का प्रीक्वल दिखाया गया है। फिर मैं बात करूंगा GTA 2 की, जो कि GTA 1 का डायरेक्ट सीक्वल था। अभी ये गेम आया था 1998 में, लेकिन ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक गेम है। इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी साइबरपंक जैसी। अभी ये मत कहना कि भाई साइबरपंक ने इस गेम की कॉपी की है, लेकिन गाइस जो भी कहा जाए गेम वन ऑफ द बेस्ट था और उस टाइम में भाई काफी सारे लोग इस गेम को शौक से खेलते थे। और इस गेम की मुझे वन ऑफ द बेस्ट बात ये लगी कि भाई इस गेम में आप जिन गैंगस्टर्स के साथ पंगा लेते हो फिर आगे चल के वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे वो आपके पंगे की वजह से। ये वन ऑफ द बेस्ट गेम माना जाता था उस टाइम में क्योंकि इसमें आपको फुल फ्रीडम दी गई थी। फिर बात करेंगे GTA लंदन की। इसमें आपको दो गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक 1961 और एक 1969। इनमें एक आपको अलग अलग स्टोरी दिखाई गई जो कि GTA 1 और GTA 2 से भी काफी ज्यादा बेटर थी। और गेम प्ले के मामले में भी GTA लंदन वन ऑफ द बेस्ट टाइम गेम्स है। और ये GTA एडवांस की तरह अंडररेटेड नहीं है, बल्कि भाई इस गेम को बहुत ही ज्यादा उस टाइम में हाइप मिली थी। फिर मैं GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो इसमें आपको GTA 3 का प्रीक्वल दिखाया गया, यानी GTA 3 से कुछ साल पुरानी स्टोरी। इस गेम में बाइक्स तो थी, लेकिन हमारा कैरेक्टर फिर भी स्विम नहीं कर पाता था। कैरेक्टर भी इसका GTA 5 के कैरेक्टर्स या फिर टॉबी और सीजे की तरह इतना ज्यादा रिलेटिव या फिर फनी भी नहीं था। एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि अपने काम से काम रखता है। इस गेम में हेलीकॉप्टर तो था, लेकिन भाई वो उठा नहीं सकते थे। ये अंडररेटेड की लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसको पीसी के लिए नहीं पोर्ट कर दिया गया। फिर इसी की तरह एक गेम था या फिर इससे ज्यादा बेटर GTA वाई सिटी स्टोरीज, जो कि GTA वाई सिटी का प्रीक्वल था। इसमें लैंस वेंस का भाई होता है विक्टर वेंस, लेकिन इस गेम में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था वो काफी ज्यादा डीप कैरेक्टर था। इसके भाई को भी आर्मी से निकाला गया, इसके एक भाई को अस्थमा थी और लैंस वेंस भाई वो तो पहले से ही बेवकूफ था। और इस गेम की मुझे वन ऑफ द बेस्ट बात ये लगी जो कि GTA वाई सिटी में नहीं थी, इस गेम में भाई हमारा कैरेक्टर स्विम भी कर पाता था। और ये गेम कभी कभी GTA सैन एंड्रियास की भी फील देता है। इस गेम को थोड़ा इसलिए पसंद किया गया क्योंकि इसमें वाई सिटी का क्लासिक वर्ल्ड था। इसको भाई पीसी के लिए नहीं पोर्ट कर दिया गया, ये PSP और PS2 के लिए रिलीज किया गया था। फिर मैं उस गेम की बात करूंगा जो कि भाई रॉकस्टार गेम का पहला 3D गेम था। गाइस उस टाइम में इतना ज्यादा एडवांस गेम था, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फीचर्स दिए गए, लेकिन इस गेम में 2D गेम से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। गेम की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट थी, लेकिन मिशन करने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता था। आई थिंक इस गेम में ऐसा कोई भी गैंगस्टर नहीं होता जिसे हमने पंगा ना लिया हो। लेकिन इस गेम में जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात थी वो ये थी कि भाई हमारा कैरेक्टर बोल ही नहीं सकता। लेकिन जब रॉकस्टार गेम ने इसे बनाया था तो भाई इसने ये बोला था कि हम कैरेक्टर पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे कि भाई कैरेक्टर तो आप ही हो, तो भाई कैरेक्टर को आवाज देना ही बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। फिर तो भाई लोगों को कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता था। काफी सारी फाइल्स खोलने के बाद लोगों को पता चला कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है क्लॉड। फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा DMA डिजाइन का पहला गेम GTA 1। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई DMA डिजाइन कौन है। भाई पहले रॉकस्टार गेम का नाम DMA डिजाइन था। भाई ये गेम उस टाइम के हिसाब से इतना ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट गेम था क्योंकि रॉकस्टार गेम ने बोला कि इस गेम में आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दी गई है, बंदों को मारो, पुलिस से फाइट करो या फिर ओपन वर्ल्ड घूमो, आपकी मर्जी है। इस गेम में आपको लिबर्टी सिटी, वाई सिटी, सैन एंड्रियास भाई सारे मैप्स दिए गए जो कि बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट बात थी इस गेम की। 2D गेम था तो भाई इसमें बहुत ही ज्यादा फन था, लेकिन इस गेम की गलत तरीके से प्रमोशन कराई गई थी। भाई रॉकस्टार गेम ने बोला कि इस गेम में काफी ज्यादा वॉयलेंस है, बट भाई फिर भी गेम पॉपुलर हो गया और आज आपको पता है कि GTA कौन सा नाम है। अभी GTA ऑनलाइन को इतना ज्यादा नीचे रखने का रीजन क्या है, आप लोग यही सोच रहे हो ना। देखो भाई सबसे पहले तो इस गेम में बहुत ही ज्यादा घटिया प्लेयर्स होते हैं जो कि भाई सुकून से खेलने भी नहीं देते, बार बार आप वेस्टेड हो जाते हो और भाई इस ऑनलाइन की दुनिया में हमारा बिल्कुल जीना हराम हो जाता है। और इस गेम को मैंने नीचे इसलिए रखा क्योंकि यही
वजह है कि भाई GTA Online इतना ज्यादा पॉपुलर है तभी GTA 6 नहीं आ पा रहा, क्योंकि भाई Rockstar गेम को GTA 6 से इतना ज्यादा मोटा पैसा मिल रहा है तो भाई GTA 6 वो क्यों ही निकालेगा। वैसे वो निकालेगा जरूर, क्योंकि भाई इसको और भी तो पैसा चाहिए। और भाई हम गेमर्स ने Rockstar गेम को काफी ज्यादा तंग कर रखा है कि भाई GTA 6 को कब रिलीज करोगे, तो भाई यही वजह है GTA Online को इतना ज्यादा नीचे रखने की। फिर मैं उस गेम की बात करूंगा जिसके बिना आई थिंक पूरे GTA गेम्स अधूरे। गाइस जैसे अभी के टाइम में GTA 5 पॉपुलर है, तो भाई अपने टाइम में GTA Vice City भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। और भाई इसका रीजन क्या है कि इस गेम का थीम काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। भाई टॉमी वर्सेटी जैसा गुस्सेल कैरेक्टर लेंस वेंस का बिट्रे करना भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी GTA Vice City की। और भाई Rockstar गेम का ये गेम उस टाइम में बहुत ही ज्यादा चला था। फिर मैं उस गेम की बात करूंगा जिसमें भाई हमें कोई कमी नहीं लगी। भाई लगता है मुझे 2004 में सबसे ज्यादा ये गेम एडवांस होगा, क्योंकि इस गेम में इतने ज्यादा फीचर्स, इतना बड़ा मैप, उसके साथ साथ इस गेम की स्टोरी सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट है। और भाई जो भी है ये गेम Vice City से तो ज्यादा चला। इस गेम में ढेरों फीचर्स है, आप मोटे हो सकते हो, खाना खा सकते हो, बॉडी बना सकते हो, इतने सारे ढेरों क्लोथ से इस गेम में भाई, और क्या ही चाहिए। और भी GTA San Andreas में काफी सारे फीचर्स होने वाले थे जो कि रिमूव कर दिए गए, उस पे भी किसी दिन वीडियो आएगी। भाई हमारी गेम का मेन प्रोटेक्ट जो कि कितना ज्यादा रिलेटेड था Vice City में लेंस की तरह, इस गेम में भी हमारे दो दोस्तों ने हमें बिट्रे किया अपनी मदर की डेथ की वजह से। भाई हमें लिबर्टी सिटी से यहाँ आना पड़ा। फिर तो भाई आप सोच ही सकते हो कि GTA San Andreas की स्टोरी कितनी ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट है। फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा GTA The Ballad of the Gay Tony और GTA Lost and Damned। अभी ये पूरे GTA की कम्युनिटी में वन ऑफ द बेस्ट DLCs मानी जाती है। सबसे पहले भाई दोनों गेम्स में डार्क स्टोरी दिखाई गई, फिजिक्स मैकेनिक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। एक कैरेक्टर का नाम था लुइस लोपेस और दूसरे का नाम था जॉनी क्लेबेट, दोनों भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स थे। और भाई मैं चाहता हूँ GTA 4 अगर मोबाइल में आया तो भाई वो कंप्लीट एडिशन के साथ आना चाहिए, जिसमें भाई GTA एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी सिटी भी होना चाहिए। बट जो भी कहा जाए, हर कोई भाई इन DLCs को वन ऑफ द बेस्ट DLCs मानते हैं। फिर मैं बात करूंगा GTA चाइनाटाउन वॉर्स की, जो कि Rockstar गेम का लास्ट 2D गेम था। सबसे पहले गेम आया था निंटेंडो DS के लिए 2009 में। अभी भाई देखो इस गेम को तब रिलीज किया गया जब GTA के HD यूनिवर्स की गेम स्टार्ट हो चुके थे। सेम प्रॉब्लम थी GTA एडवांस की और इसकी, जब 3D और HD यूनिवर्स में 2D गेम्स को टांग अड़ानी पड़ती है। इसके रिलीज होने के एक साल बाद इसको एंड्रॉइड और iOS के लिए भी पोर्ट कर दिया गया। फिर मैं GTA 5 की बात करूंगा जिसको गेमिंग कम्युनिटी में वन ऑफ द बेस्ट गेम माना जाता है। सबसे पहले देखो इस गेम के ग्राफिक कितने ज्यादा रियलिस्टिक है। ऊपर से भाई वन ऑफ द बेस्ट बात ये है GTA 5 की के भाई वो PS3 के लिए आया था, कि भाई जो PS5 और PS4 को अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो अभी भी PS3 में गेम्स खेल सकते हैं GTA 5 जैसे। ऊपर से इस गेम की स्टोरी भी कितनी ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट है। तीनों कैरेक्टर माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन मेन प्रोटैगनिस्ट तो अच्छे हैं ही, उसके साथ साथ साइड कैरेक्टर्स भी कितने ज्यादा अच्छे हैं। लामार कितना ज्यादा रोस्ट करता है फ्रैंकलिन को, लेस्टर जैसा हैकर जो कि भाई बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, और वह बंदा ढेरों मॉड्स डाल सकता है GTA 5 में। तो भाई आप सोच ही सकते हो कि GTA 5 कितना ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट गेम है। लास्ट में मैं बात करूंगा GTA 4 की। अभी देखो यार GTA 4 के फिजिक्स मैकेनिक्स कितने ज्यादा रियलिस्टिक है, ऊपर से गेम की स्टोरी भी कितनी ज्यादा डीप है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक, जिसके कजन ने भाई लिटरली उसे बेवकूफ बनाया था, उसने कहा था भाई मैं बहुत ही बड़ा बिलीनियर हूँ। इस गेम में बग्स और ग्लिचेस तो बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन ग्लिचेस में बहुत ही ज्यादा फन था। भाई लिटरली मैं चाहता हूँ Rockstar गेम GTA 4 को रिलीज करे एंड्रॉइड पे, ना कि GTA ट्रायलॉजी को, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल में एक डार्क स्टोरी का मजा लिया जाए, ना कि फनी स्टोरी का। तो हाँ यार यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। उसके साथ साथ ये मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये GTA गेम्स पसंद आए या फिर नहीं। आई होप कि भाई आपको GTA गेम्स पसंद आएंगे, क्योंकि भाई आपके इन कुछ बचपन के गेम्स है और कुछ तो आपने वैसे ही खेले। और मैंने GTA ट्रायलॉजी को इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज GTA ट्रायलॉजी Vice City, San Andreas और GTA 3 ही है, इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिवाय ग्राफिक के। तो बस यार मैं भी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।